नमस्कार, मैं सुमलता, आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए विवश करने और उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए अभिनेता सलमान खान, निर्माता निर्देशक करण जौहर समेत 5 नामजद व अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने CJM की अदालत में वाद दायर किया है। अधिवक्ता ने सलमान खान, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, साजिद नाडियाडवाल व करण जौहर तथा अन्य अज्ञात आरोपी के खिलाफ अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह व प्रवीण सिंह के माध्यम से वाद दायर किया है। उन्होंने कहा है कि वादी सुशांत सिंह की अभिनय क्षमता का कायल व प्रशंसक रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ लोग सिंडिकेट बनाकर पूरी इंडस्ट्री को हाईजैक कर लिए हैं। जो उनके इशारे पर नहीं चलता है, उन्हें साजिश रचकर परेशान करते हैं। इनके संबंध माफिया व राजनेताओं से भी है। सुशांत को बिहारी तथा हिंदी भाषी प्रांत का होने व अपने इशारे पर न चलने के कारण विद्वेष व अपमानित करते थे। आरोपियों ने साजिश करके सुशांत से 6-7 फिल्में छीन ली। आरोपियों ने सुशांत को इस कदर परेशान किया कि विवश होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। वादी के अलावा बृजेश सिंह, सिद्धार्थ सिंह, विवेक रंजन तिवारी, अवनेश दुबे, मान सिंह सूर्या सहित आदि ने मीडिया में आई रिपोर्ट को देखा व सुना। वादी ने कोर्ट से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। आज मैंने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली, साजिद नाडियाडवाला, करण जौहर, एकता कपूर व अन्य अभियुक्तों के खिलाफ 306, 109, 120 IPC के तहत मुकदमा दायर किया है CJM कोर्ट में। ग्राउंड ये है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार से आया था और काफ़ी लोकप्रिय हम लोगों का था, धीरे धीरे वो बॉलीवुड में अपनी काफ़ी जगह बना लिया था। उसकी कई फिल्में हिट हो गई थी और पूरे भारत का वो एक नंबर एक का नायक बन गया था। उसको ये लोग तथा कुछ अन्य लोग एक सिंडिकेट बनाकर, एक संगठन बनाकर कार्य करते थे। जो भी बाहर का व्यक्ति उभरता हुआ रहता था उसको ये लोग प्रताड़ित करते थे। उसको तरह तरह से, जैसे किसी समारोह में गया, वो समारोह में उसके नाम को लेकर कमेंट किया गया कि ये इसका नाम है कि पूरा एड्रेस है, इसकी 6-7 फिल्में छीन ली गई, इसकी फिल्मों को, जो फिल्म में ये काम करने वाला था उसको लेकर दूसरे को दे दिया गया। जैसे रामलीला फिल्म थी, वो ये करता उसको दूसरे को दे दिया गया। इसी तरह इसकी एक फिल्म ड्राइव थी, उसको पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया। इसको लेकर करण जौहर से उसकी अनबन भी हुई थी। तो कुल मिलाकर इन लोगों ने इसको, उभरते हुए कलाकार को इस प्रकार इतना प्रताड़ित किया, शारीरिक और एकदम मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि ये क्षुब्ध होकर 14 जून को अपने फ्लैट में आत्महत्या कर लिया। इसने अपने पिता को भी बताया था कि मुझे जो है काफ़ी समय मैं तनाव में हूँ, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। इस तरह की बातें इसने कहा था कि मैं बहुत लो हो गया हूँ और तनाव में हूँ। तो एक तरह का एक कुछ अपराधियों और कुछ राजनेताओं का एक, इन लोगों को भी बॉलीवुड के कुछ लोगों को संरक्षण है और ये मिलकर एक गैंग के रूप में कार्य करते हैं। और कोई भी नया बाहर से आने आता है जो हीरो बनने के लिए या और किसी क्षेत्र में बॉलीवुड में जाने के लिए, उसको ये लोग तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इस पर मैंने मुकदमा दायर किया। मैंने इस उनकी मृत्यु के बाद उसको मैंने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह इसको देखा सुना और हमारे अलावा अन्य लोगों ने भी देखा। मैंने कोर्ट में मुकदमा करके इनको, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोर्ट से मांग किया है। और जिससे अन्य किसी के खिलाफ इस तरह से बॉलीवुड में एक जो एक लीडरशिप एक बन गई है कुछ लोगों की, वो ना बनने पाए और जो भी सितारा है, जो भी भारत में टैलेंट है, उनको भी बॉलीवुड में उभरने का मौका मिले। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज डिजिटल मीडिया के साथ।